कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले में बुधवार की रात को अस्पताल परिसर में उपद्रवों के घुसने और तोड़फोड़ के बाद इस पर देश भर में खूब राजनीति भी हुई। सीबीआई टीम शुक्रवार को अस्पताल पहुंची, जहां 5 घंटे तक जांच पड़ताल किया गया। इस सनसनीखेज मामले को लेकर के कई बात सामने आई है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक अपनी सेवाएं नहीं देने वाले हैं। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी दवाएं ही दी जाने वाली हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपनी मांगों की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ से निपटने के लिए नीति बनाना, डॉक्टर्स की सुरक्षा नीतिगत स्तर पर स्वीकार करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के सदस्यों ने पत्र में लिखा, अस्पताल संरक्षण विधेयक 2019 के मसौदे में महामारी रोग अधिनियम 1897 में 2023 के संशोधनों को शामिल करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम मौजूदा 25 राज्य विधानों को मजबूत करेगा। अन्य मांगों में लंबी शिफ्ट में काम करने वाले पेशेवरों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय और सुविधाएं शामिल हैं, जैसे सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी और सुरक्षित जगह की उपलब्धता शामिल है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई बड़ी साजिश की आशंका के तहत मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। ये लोग मृतका के दोस्त, जिनके नाम पीड़िता के परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। सीबीआई के राडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड और कोलकाता पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी हैं। सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में जानकारी मिली। आरजीकर अस्पताल के कुल 13 कर्मचारियों को सीबीआई कार्यालय लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक मृतका के परिवार वालों ने इस वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के पिता ने कहा कि मेरी बेटी उस दिन सुबह करीब 8:10 पर ड्यूटी के लिए निकली थी। वो ओपीडी में थी और आखिरी बार उन्होंने अपनी माँ से रात करीब 11:15 पर बात की थी। सुबह जब मेरी पत्नी उसे फोन कर रही थी तो उसका फोन बज रहा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तब तक मेरी बेटी की मौत हो चुकी थी। चिंता की बात यह कि सुबह 3 से 10 तक किसी को उनकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यानी कि 16 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर के विरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने सीपीएम और बीजेपी पर आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की साजिश रचने, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच्चाई छिपाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सीबीआई से रविवार तक मामले को सुलझाने का आग्रह किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बंगाल में टीमें भेजने और बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह की घटनाओं पर आंख मूंदने का भी आरोप लगाया है। videodeskamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।